बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, माने गोद में उठाया तब आसमान छुआ। शायर मुनव्वर राणा का यह शेर मध्य प्रदेश के बड़वाह स्थित 22 वर्षीय दिव्यांग आयुष के लिए तो बिल्कुल सटीक बैठता है। यह दिव्यांग है, कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत ने उन्हें दिव्यांगता तो दी, लेकिन उसके साथ में एक ऐसी कला दे दी जिसे लोग अब आदर्श मानते हैं और देखकर दंग भी रह जाते हैं। बिना प्रशिक्षण लिए 150 से अधिक उन्होंने पेंटिंग तैयार कर दी हैं, देश विदेश में यह ख्याति प्राप्त कर रही हैं, तो देश विदेश के विषयों पर इनकी पेंटिंग आधारित हैं। तो वहीं स्वच्छता, जल संरक्षण, शिक्षा सहित अमिताभ बच्चन और कई महापुरुषों की इन्होंने चित्रों को उकेर दिया है। उज्जैन में लगी चित्रों की प्रदर्शनी में आयुष ने अपनी प्रतिभा जैसे ही सबके सामने रखी तो देखकर सब लोग दंग रह गए। करीब 20 पेंटिंग इनकी हाथों हाथ बिक गई और 10,000 रुपये भी इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिससे उन्होंने एक टैबलेट खरीदा। आयुष इस टैबलेट से ट्विटर चलाते हैं और दुनिया के लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का काम भी करते हैं। यह बचपन से ही दिव्यांग है और इसका जीवन आज वो 20 वर्ष का हो गया है, लेकिन बचपन से हमेशा पेंटिंग करना इसका लक्ष्य रहा है। प्रयत्न किया मैंने कि इसको किसी प्रकार का मानसिक शारीरिक डॉक्टर को दिखाया, ये उन्होंने कहा कि इस प्रकार का ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। पेंटिंग बनाता रहता है, पैर में उसको ब्रश बांध देते हैं और उससे फिर वो धीरे धीरे पेंसिल से बनाता है, फिर रंग भरता है और इसे यदि इसके बाद में वो रंग में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाए तो फिर से बनाता है। ये जन्म से ही ऐसा है, मतलब चल नहीं सकता है, बोल नहीं, सारा काम इसको मेरे को ही करना पड़ता है। और इसको पेंटिंग की बहुत ज़्यादा रुचि है और स्कूल भी गया 8th क्लास तक, ये ओम नर्मदा मुखबधिर स्कूल है यहीं सुरानगर में, वहीं पे पढ़ाई भी करी इसने, लेटे लेटे ही पढ़ाई करी और सारा काम वो लेटे लेटे ही करता है, मतलब पेंटिंग भी बनाता है तो लेटे लेटे बनाता है, मोबाइल चलाना और सारा काम लेटे लेटे ही करता है। इसकी हमने प्रदर्शनी भी लगाई, इसने करीबन 100-150 पेंटिंग बनाई हैं और हमने उज्जैन में और महेश्वर में इसकी प्रदर्शनी भी लगाई है
और वहाँ पे भी लोगों ने बहुत सराहना करी, लोगों ने खरीदी भी सही वहाँ पेंटिंग, और पेंटिंग से जो भी उसके पैसे आए उसने खुद ने अपना टेप खरीदा एक, जिससे ये अपने दोस्तों से सबसे बातचीत कर सके, परिवार के लोगों से मैसेज के थ्रू सबसे बात करता रहता है। इसकी इच्छा है कि एक तो मोदी जी से मिलने की और एक अमिताभ बच्चन से मिलने की और KBC में जाने की बहुत इच्छा है इसकी। उसके लिए ये ट्विटर पे मैसेज वगैरह डालता रहता है और सबसे बातचीत करता रहता है कि कोई तो मतलब उसकी सुन ले और कम से कम उसको मिलने के लिए कुछ भी ऐसा बहाना मिल जाए कि वो मिल ले उससे थोड़ी, क्योंकि मैं बचपन से इसके साथ रही हूँ तो इसकी आँखों के इशारे मैं समझ जाती हूँ, आँखों के इशारे से ही बात करता है ये। और थोड़ी बहुत कभी आती है मैसेज के थ्रू मेरे को बता देता है कि मैसेज करके मोबाइल में। और पूजा पाठ में भगवान में बहुत आस्था है उसकी, मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता है, आधा घंटे रोज ध्यान करता है भगवान का। पेंटिंग भी इसने मतलब एक तो पर्यावरण के ऊपर, बेटी बचाओ और स्वच्छता अभियान, और अमिताभ बच्चन की बनाई KBC में जाने के लिए खुद को एक साइड बिठाया, एक साइड अमिताभ बच्चन को, हाँ वो भी दिखाया गया उसने। और जो मन की, जो इसकी मन की भावना रहती है वो चित्रों के द्वारा ये उस पर उतारता रहता है कि मन में इसके क्या है। मोदी जी की बनाई, उनकी माता जी के साथ में मोदी जी की पेंटिंग बनाई हुई है, और चंद्रयान 2 की बनाई हुई है उसने, और जो भी मतलब देखता है ना तो उस हिसाब से उसके जो मन में जो आता है वो सब चित्रों के द्वारा उतारता रहता है ये। अगर आपके घर मतलब किसी के भी घर कभी ऐसा बच्चा है तो आप उसके मतलब उसका हौसला बढ़ाए, कभी उसको कमज़ोर ना समझे। अगर आप हौसला बढ़ाओगे तो वो कुछ भी कर सकता है, आपका मतलब हिम्मत और घर वालों की हिम्मत उसके बदौलत वो कुछ भी कर सकता है। तो आप कम से कम जिसके भी घर मतलब भगवान ने कभी ऐसा दिया है बच्चा, तो कम से कम उसका हौसला बढ़ाए, उसके जो टैलेंट उसके अंदर है उसको खोजने की कोशिश करें, तो कम से कम वो अगर मिल गया तो वो कुछ भी कर सकता है बच्चा। इसके भी मतलब हौसले मतलब ऐसा है, लेकिन इसके इरादे इतने बुलंद हैं कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा, पेंटिंग में बेचूंगा, मेरी देश विदेश में मेरी पेंटिंग बिकेगी, यहाँ तक इस मतलब इसका हौसला है। और मैं खुद से अपना सेल्फ डिपेंड हो जाऊँगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा।